पड़ोस में ससुराल। आज मेरे मायके से बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है, लगता है भाभी या मम्मी कुछ बढ़िया बना रही हैं। चलो जाकर देखती हूँ और लगे हाथ खाकर भी आ जाऊंगी। मायरा घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि पीछे से उसकी सास आ जाती है। ओ मैडम, कहाँ निकली आपकी सवारी हैं? माँ जी, दरअसल वो ना आज मायके में भाभी को थोड़ा सा पेट दर्द हो गया है, बस वही तो एक अच्छी ननद होने का फर्ज निभाते हुए उनका हाल चाल पूछने जा रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है, रोज तेरे मायके में किसी ना किसी की तबीयत खराब हो ही जाती है और रोज तू फुदक के चली जाती है। हमारी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो पड़ोस की लड़की को ही बहू बना लिया। अब आपका मायका 100 किलोमीटर दूर है, उसमें मेरा क्या कसूर? आपका खाना बना दिया है, आटा भी गूंद दिया है, गर्मा गर्म फुलके बनाकर खा लेना ना आप। ये है मयूरा, जिसका मायका और ससुराल दोनों भी आस पड़ोस में 2 मिनट की दूरी पर है, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए मयूरा हर दिन मायके के चक्कर लगाती रहती है। हेलो मम्मी, हाय भाभी, क्या बात है, आज तो बड़े ही शाही और लजीज पकवान बने जा रहे हैं। कोई दावत शावत है क्या आज हमारे घर पर? खुशबू आई नहीं कि चली आ गई महारानी चींटियों की तरह सूंघती हुई। अरे बेटा, तेरे भाई का प्रमोशन हो गया है, इसी खुशी में उसके मन पसंद पकवान बना रहे हैं, बस आ जाती तू भी, दामाद जी और समधी समधन जी को भी न्योता दे दे। पर मम्मी जी, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब आएंगे, मैंने तो वैसे भी खाना कम ही बनाया है। क्या भाभी, अब आपको ये तो पता है कि मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, और आपको तो मैंने कह कर रखा है ना कि मेरे 2 एक्स्ट्रा फुलके सेक कर रख दिया करो, मुझे मम्मी के हाथ की बनी सब्जियां कितनी पसंद है। ओए बड़ी महारानी। ऐसे ही मयूरा आधा दिन अपने ससुराल में और आधा दिन अपने मायके में गुजारती रहती। एक दिन सुबह नाश्ते के दौरान मयूरा के ससुर धनराज और पति श्लोक। अरे मयूरा, ये क्या, ये पराठा तो आधा कच्चा है और मेरा पराठा तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पक गया, जो जल गया है, कोयले से भी काला हो गया ये तो। होगा भी क्यों नहीं, ये करम जली सुबह सारा काम ऐसे ही फटाफट गड़बड़ी में जैसे तैसे निपटा कर अपने मायके भाग जाती है, इसे क्या फर्क पड़ता है, सास को अगर चक्कर आ गए दिन दहाड़े तब कौन आएगा बचाने। ओ कमॉन माँ जी, चक्कर और वो भी आपको, दिन भर आप हर आधे घंटे में कुछ न कुछ खाती रहती हो और फिर भी मुझे ताने कस रही हो, वेरी बैड। तो तू कौन से गड है, है? आई बड़ी। वहाँ मायके के घर में वंदना अपने पति यानी मयूरा के भाई गोपाल से कहती है। गोपाल, तुम ना तुम्हारी प्यारी बहन को समझा कर रखो, अरे तीज त्योहार, रक्षाबंधन, दीपावली, इन सब पे अपने मायके आए तो ठीक लगता है, लेकिन ये मैडम, ये तो रोज ही चली आती है मुंह उठाए। अरे सोचिए मम्मी जी, अगर मैं भी रोज इस तरह अपने मायके जाऊं तो आपको ये सही लगेगा नहीं ना? फिर वंदना सही कह रही है मम्मी, जरा इस बात पर गौर फरमाइए। हाँ बेटा, मुझे पता है, उस दिन तो गली की औरतें भी सब्जी वाले के यहाँ गप्पे लड़ाते हुए बातें बना रही थी कि मयूरा तो दिन भर सिर्फ अपने मायके में ही रहती है, आज उसे आने दो, मीठे बोल से ही समझाऊंगी, समझ जाएगी वो। फिर जब मयूरा मायके आती है तो मम्मी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे इस तरह आपसे मिलने यहाँ आने से? ये देख सरोज का मन ममता के मुंह में आ जाता है। ना बेटी ना, तू ऐसा क्यों सोच रही है और तेरी आंखें नम क्यों हैं? तू क्यों रो रही है बेटा, समधन जी ने कुछ कहा है क्या? उफो, ये मम्मी जी भी ना, उन्होंने एक आंसू गिराया नहीं कि पिघल गई। नहीं मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज आपकी बहुत याद आ गई, रोज आपसे मिलती हूँ लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। और इसी के साथ सरोज अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल पाती और अब मयूरा का मायके में आना जाना इतना बढ़ जाता है कि वो मायके के फैसलों में भी दखल अंदाजी देने लगती है। तभी वहां पर बरखा आती है।
अगर इतना ही परेशान हो तो उसे घर के अंदर आने ही क्यों देते हो? वो एक पांव अपने मायके की नाव में रखती है और एक पांव अपने ससुराल की नाव में। अगर एक नाव हटा दे तो ना चाहते हुए भी उसे दोनों पैर एक ही नाव में रखने होंगे ना। हाँ काकी, एकदम बराबर बात कर रही हैं आप। लेकिन समधन जी, आप अपनी बेटी के मुंह पे दरवाजा लगा पाती क्या? देखिए, मुझे वो सब नहीं पता। अब उसका पूरा संसार उसके ससुराल में बस चुका है, उसे वहां ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर मायके में। और इसलिए आप ही हो, उसे यहाँ आने पर आप ही को रोक टोक लगानी होगी। बस यही कहने आई थी। नमस्ते। अगले दिन ससुराल में बरखा की तबीयत खराब हो जाती है और मयूरा उसे बिस्तर पर ऐसे ही छोड़कर मायके भागती है। चली गई मायके, अपनी बीमार सास को बिस्तर पर छोड़कर निकम्मे कहीं के। रात में जब धनराज और श्लोक दफ्तर से घर लौटते हैं तब वो देखते हैं कि मयूरा घर पर नहीं है और बरखा अपने कमरे में बुखार से तप रही है, और तो और घर में कुछ खाना तक नहीं बनाया है। आज तो हद ही कर दी मयूरा बहू ने। अरे काम काज का नहीं, लेकिन कम से कम अपनी सास की तबीयत का तो लिहाज रख लिया होता। कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। आप ही ने तो चुनी थी ना ये बहू। कुछ देर बाद मयूरा अपने ससुराल वापस आती है। मयूरा, घड़ी देखी तुमने? हाँ, घड़ी में दो सुइयां एक साथ कितनी प्यारी लगती है ना। बिल्कुल आपकी और मेरी जोड़ी की तरह। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मयूरा। तुम्हारा ये मायके से ससुराल, ससुराल से मायके घूमने का तमाशा बहुत हो गया। ये सब कब खत्म होगा? तुम्हें अंदाजा भी है, माँ अंदर 103 बुखार से तप रही है और तुम सुबह से अपने मायके में हो। बहू, अच्छा होगा कि तुम मायके जाना कम कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन दोनों तरफ की रिश्तों की डोर टूट जाए और तुम बीच में ही लटकी रह जाओ। जी पापा जी, आप टेंशन मत लो, मैं मायके जाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपना बहु धर्म अब अच्छे से निभाऊंगी। मैं रोज माँ जी का एकदम हल्की नाजुक पत्ती की तरह ख्याल रखूंगी और आप लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। पर मयूरा तो आखिर मयूरा है, इतनी जल्दी कैसे उसे किसी की बात समझ में आ जाती? ये तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। पहले वो बिना कोई काम किए मायके चली जाती थी और अब कभी कुकर को गैस पर रखकर तो कभी कपड़ों को आधे में धोता छोड़कर मायके चली जाती। उसकी इन हरकतों से ससुराल और मायके वालों को तो पहले से ही परेशानी थी, अब तो आस पास की औरतों के लिए भी मयूरा अच्छी खासी शाम की चाय की गॉसिप बन गई थी। अरे वो सरोज बहन की बिटिया मयूरा, कभी इस डाली तो कभी उस डाली फुदकती रहती है। मुझे तो दिन भर अपनी खिड़की से उसका ये सर्कस देखने में बहुत मजा आता है। अरे मैंने तो सुना है उसकी भाभी वंदना अपनी ननद को एक आंख पसंद नहीं करती। दरअसल मेरी बहू काजल और वंदना ना सहेलियां हैं, इसीलिए पता चला। पर मानना पड़ेगा सरोज को, बहुत अच्छे गुण दिए हैं उसने अपनी बेटी को। तभी वहां से गुजर रही सरोज सभी औरतों की बातों को कान लगाकर सुन लेती है और रुककर उन्हें चिल्लाते हुए कहती है, क्यों रे कलम मुइयों, तुम लोगों को क्या अपनी घर गृहस्थी नहीं है जो रोज शाम को हमारी गृहस्थी की चर्चा लेकर बैठ जाती हो? हैं बेवकूफ औरतें, पहले खुद के घर में ठीक से देख लो, फिर दूसरे के घरों में झांको। क्यों सल्ला बहन, आपका बेटा तो रोज रात को नशे में धुत लुढ़कता हुआ घर वापस आता है ना, हमने कभी कुछ बोला? और जानकी बहन, आपकी बेटी का इस महीने का 5वां बॉयफ्रेंड उसे रोज गली के कोने पर छोड़ने आता है, लेकिन हमने तो कोई बात नहीं बनाई। इतना बोलकर सरोज वहां से चली जाती है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और थक हार कर परेशान होकर दोनों परिवार वाले आपस में एक साथ मिलकर मयूरा के बारे में बात करते हैं। श्लोक, हमने बहुत बार कोशिश की कि हम मयूरा को रोके मायके आने से, लेकिन वो इतनी ढीठ है कि हमारी बातों को कान के पीछे ही डाले जा रही है। अब पता नहीं वो ये सब जानबूझकर कर रही है या फिर सच में। समधन जी, समधी जी, अब जो भी हल निकालना है आप ही निकाल सकते हैं, दामाद जी कुछ तो कीजिए।
कुछ तो आपको करना चाहिए था सरोज जी। अरे बरखा, जैसे हम बहू को रस्सी से बांध कर नहीं रख सकते, वैसे ही एक माँ होने के नाते सरोज जी भी मयूरा को मायके में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। अरे उसने पूरा बचपन बिताया है वहां पर। लेकिन अब नहीं, अब तो इस सब का एक ही रास्ता है, जो काम मैंने एक साल पहले नहीं किया था वो मैं अब करूंगा। ऐसा क्या कर लेगा तू बेटा? मुझे कंपनी की तरफ से चिरौलीपुरा में ट्रांसफर लेटर दिया गया था, वो भी दुगनी सैलरी के बेसिस पर। लेकिन एक साल पहले आई इस ऑफर को मैंने मयूरा की खुशियों के लिए ठुकरा दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए तो वो अपने मायके को मिस करेगी। तभी शादी भी नहीं नहीं थी, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सब यानी मयूरा के ससुराल वाले अब उसके मायके से दूर चले जाएंगे? जी हाँ, मैं इस ऑफर को अभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर मयूरा को अपने मायके जाने से रोकना है तो बेहतर यही होगा कि उसके पड़ोस के ससुराल को दूर ले जाए, और उसके ससुराल वाले ही अलग जाकर रहे, जिससे वो रोज अपने मायके नहीं जा पाएगी। सभी श्लोक के इस फैसले पर सहमति जताते हैं, और फिर मयूरा अपने पति की ट्रांसफर की वजह से शिफ्ट होने की बात को साधारण समझकर अपने मायके से दूर चली जाती है। जो भी कहो, सही मायनों में बहू विदा करके तो मैं